देख रहे हैं फिशिंग आर्ट टैलेंट। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस के अंदर बताया था, मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जो उनका जो है ना 7 तारीख 6 महीना 2023 को इंतकाल हो गया था। अल्लाह ताला उनकी और तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। वो मेरे उस्ताद थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने शिकार जो भी कुछ मुझे आता है, जो भी कुछ मैंने सीखा, सब उन्हीं से सीखा। और अभी भी जो है ना मैं उनसे सीख ही रहा था, और जो भी चीज़ें पूछनी होती थी मैं उनसे पूछता था और फिर वो ट्राई करता था। अल्लाह ताला उसमें मुझे कामयाबी देते थे। तो बस ये है कि अब उनकी यादें हैं और उनकी बातें हैं, इस पर अमल करते रहेंगे। और आज हम लोग आए हैं दो दरिया के ऊपर शिकार के लिए। अभी चलते हैं अपनी लोकेशन पर, वहाँ चल के आप लोगों से मुलाकात करते हैं। दोस्तों अभी जो है ना पानी की कंडीशन ये है तूफान के बाद से। तूफान के टाइम पर पानी बहुत ज़्यादा तेज़ था। जो है ना पानी काफ़ी सूटेबल हो चुका है शिकार के काबिल है, और पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, उसमें इंशाल्लाह शिकार अच्छा होगा। दोस्तों वकाल देखो अभी दंडिया लगा है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, भाई बका दे आटे में क्या मिलाते हो? आटे में मिलाते हैं भाई, बताओ ना। बता दो, हाथ पाँव कटवा दो भाई। आटे के ऊपर ही लगा है, मेरे पास आटे के अलावा कोई चारा नहीं होता। मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, मैं आटे में जो है गंदी का गेम खेलता हूँ माशाल्लाह। और आटे के ऊपर गंदिये भी लगते हैं, पूड़ियाँ भी लगती है, पूड़ी भी लगता है, कभी कभार किस्सर भी लगता है। बस इसी तरीके से आटे में शिकार खेलते रहेंगे, आप दोस्तों को दिखाते रहेंगे। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा रफ हो रही है, थोड़ा हो जा रहा है, और हवा भी तेज़ है, तो पानी जो है थोड़ा सा पानी का ज़्यादा रखा जाता है। बहुत तेज़ पानी है यार, बैग में देखना व्हाइट कलर की पीछे थी। सभी वकालबे को दंडिया लगा तुम्हारी रो रहा है, कोई आ गया भाई, कोई ये नहीं आया। शिकार करेंगे, ये देखिए ये आता है। दोस्तों
भी वकाल मेरे को धनिया लगा है। माशाल्लाह बहुत लाजवाब साइज के धनिया लग रहे हैं, यही भी मजा आ रहा है भाई। दोस्तों इन्होंने काज भाई ने ना आटे में कुछ मिलाया हुआ लग रहा है। आटे में बहुत कुछ मिलता है लेकिन दंडिया बहुत अच्छा खा रहा है। इंशाल्लाह पानी जितना रफ होगा उतना दंडिया जो है ज़्यादा अच्छी स्ट्राइक देता है, क्योंकि चारे को जो है ना भर के पकड़ता है दंडिया पे। जब पानी स्लो होता है जैसे कि बांग होता है उसके अंदर जो है ना मछली जो स्लो खाती है ना वो उसकी वजह यही होती है कि पानी के अंदर जो है करंट नहीं होता, और जवार के अंदर जो है बहुत ज़्यादा करंट। तो वकादे को भी दंडिया लगा है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी देर बाद खड़ा है भाई। बस बस छोड़ दो, बैक टू बैक माशाल्लाह चाल हो रही है। एक देख लें शाम के हाथ में दंडिया, ये देखें एक किलो के ऊपर से सही मेरे दोस्तों। माशाल्लाह बहुत प्यारा गेम हो रहा है दंडिये का। तो देखिए फिर जो भी भाई आना चाहते हैं आ जाएं आटे के ऊपर, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्यारा गेम हो रहा है। आज तारीख मेरे ख्याल में 18 तारीख है, छठा महीना 2023, और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह आज का जो है ना शिकार है दंडिये का, बैक टू बैक चाले हो रही है। काजवे को भी मच्छी लगी है और मुझे नहीं लग रहा कि ये ऊपर आएगा क्योंकि काफ़ी अच्छा साइज है माशाल्लाह। माशाल्लाह 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 देखें साइज देखें 12 पाउंड की डोर है। पानी तेज है जिसकी वजह से जो है बारीक डोर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। माशाल्लाह दिल्ली है दिल्ली वो उसके साइज का लगा है। पानी का जो चढ़ाव था वो काफ़ी ज़्यादा था और अभी तक पानी ऐसा ही लग रहा है कि चढ़ाव चल रहा है पानी का, और इसमें जो है करंट भी बहुत ज़्यादा था पानी का, जिसकी वजह से जो है ना मछली बहुत ज़्यादा अच्छे से खा रही थी। मतलब चारे को फ़ौरन पकड़ के जो है ना वो खींच रहे थे दंडिये, इस तरीके से जो है ना शिकार चल रहा था। हम आधा किलो आटा लेकर आए थे माशाल्लाह, आधा किलो आटे पर जो है अच्छा शिकार लगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ आज का शिकार हमारा। होगी आप लोग साइज देखें माशाल्लाह, ये दाना अभी जिंदा है। दंडियों के साइज देखें माशाल्लाह, अगर 300-400 रुपए में ऐसा शिकार आपको मिल जाए तो क्या ही बात होती है। दंडिये का बहुत ज़्यादा सस्ता और अच्छा शिकार होता है, इसको खेलने में मज़ा आता है। दंडिये का शिकार करना तो वैसे सही है लेकिन इसका जो शिकार जो चाल बार बार टुक टुक करता है ना, जो कि बाइट करता है, तो उस पर जो है ना बहुत मज़ा आता है इसको कैच करने में। इसकी स्ट्राइक भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और पानी जैसे कि आज तेज था उसके अंदर ऐसे लग रहे थे छोटे छोटे साइज के दंडिये भी कि कोई बड़े बड़े साइज़ की माशाल्लाह मछली लग रही है। और उसके अलावा जो है ये एक कुकड़ी भी लगी है मुझे, इसकी भी माशाल्लाह लाइव वीडियो बनी। बस यही है कि इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला हम लोग शिकार करते रहेंगे और आप दोस्तों की खिदमत में अच्छी वीडियो पेश करते रहेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल फिशिंग आर्ट टैलेंट को। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।